अगर कोई आपसे गलती हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से एक जगह पर बैठ जाए और सोचिए कि नाम किसका लगाना है। चलो बताओ, गलती होने पर माफी मांगने वाले को क्या कहते हैं? समझदार। और गलती ना होने पर भी माफी मांगने वाले को क्या कहते हैं? पति। आप मेरे कान में कुछ मीठा बोल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हलवा। वो औरतें और ही थी जिनकी याद में ताजमहल बनवाए गए, हमारी तो कब्रें भी पक्की करवाई जाएंगी, कहीं दोबारा वापस ना आ जाए। आजकल औरतों को सिर्फ उम्र छिपानी पड़ती है और आदमी को तो बहुत कुछ छिपाना पड़ता है, जैसे गंजापन, सफेद बाल, तनख्वाह और यहाँ तक कि लड़कियों के मोबाइल नंबर भी छुपाने पड़ते हैं। हर नाराज लुगाई के पीछे भैया एक मर्द का हाथ हो, कमाल की बात तो यो हो, उस मर्द को पता भी नहीं होता उसने करा क्या। दुनिया भर के मेकअप लगा के औरतें एक दूसरे से पूछती हैं, ए वाइट वाइट तो नहीं लग रहा है आए? अगर आपको ज्ञान चाहिए तो बोलिए सरस्वती माता की जय, अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो बोलिए कि लक्ष्मी मैया की जय, ताकत चाहिए तो बोलिए काली मैया की जय, और अगर आपको घर में सुख शांति और दो टाइम का खाना सही से चाहिए तो बोलिए मेरे बच्चों की मैया।